हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं इसी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला गाइस, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 5 बेस्ट फ्री टू प्ले गेम्स फॉर योर पीसी एंड लैपटॉप। तो गाइस, अगर आप लोगों को फ्री टू प्ले गेम्स को प्ले करना है तो गाइस प्लीज वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना, बिकॉज मैंने इस वीडियो में काफी ज्यादा तगड़े वाले गेम्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहले तो उन सभी गेम्स की साइज काफी ज्यादा कम है, उससे भी तगड़ा गाइस आप लोगों को उन सबके ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, और गाइस इन सभी गेम्स की जो स्टोरी लाइन है वो भी काफी ज्यादा तगड़ी। तो गाइस आई होप आप सभी लोगों को इस सभी गेम्स जरूर पसंद आएंगे, और गाइस अगर आपको वीडियो आपके गेम्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाकर डन कमेंट जरूर कर देना। और गाइस अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इन फ्यूचर काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अभी और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारे लिस्ट का 5th नंबर का गेम निकल गया था, बहुत ज्यादा तगड़ा गेम और बैटल रॉयल कैटेगरी से होने वाला है। सो गाइस, इस गेम का नाम होने वाला है स्पेल ब्रेक बैटल रॉयल। और गाइस, ये जो बैटल रॉयल गेम है काफी ज्यादा तगड़ा, इसका जो कंसेप्ट है काफी यूनिक कंसेप्ट है, प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। सो गाइस, अगर हम इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो आपको इसमें बहुत ज्यादा तगड़े वाली ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, काफी ज्यादा बड़े ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाते हैं जहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, बाकी के जो प्लेयर्स है उन सभी को किल करना है आप लोगों को। लेकिन गाइज एक बैटल रॉयल कैटेगरी का गेम है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसमें एक भी गन्स देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज गाइज आप लोगों को बैटल तो करनी लेकिन गन्स के साथ नहीं, आप लोगों को इसमें मैजिक्स यूज करना है। मतलब गाइज इस गेम में आप लोगों के पास होने वाली काफी ज्यादा तगड़े वाले मैजिकल पावर्स। तो गाइज आप लोगों के जितने भी कैरेक्टर्स होने वाले, सभी कैरेक्टर्स के पास अपनी अपनी स्पेशल एबिलिटी होने वाली, स्पेशल पावर्स होने वाली। तो गाइज अभी आप लोगों को उन सभी पावर्स को यूज करके आप लोगों को बैटल करना, और गाइज जो प्लेयर लास्ट में बचेगा वह इस गेम को विन करने वाला है। तो गाइज ओवरऑल गेम को प्ले करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है, आप लोगों को इसमें मैप्स भी बहुत ज्यादा तगड़े वाले देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आप लोग इस गेम को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इस गेम की अगर साइज की बात करें तो अराउंड 16 GB तक इस गेम की साइज है, तो आपके हार्ड डिस्क में मिनिमम 16 या फिर 20 GB तक स्पेस होना चाहिए, तभी आप इस गेम को आराम से डाउनलोड करके इंजॉय कर पाएंगे। तो गाइज आप लोग इस गेम को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो गाइज चलिए अभी इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस जो हमारे लिस्ट का 4th नंबर का गेम निकल के आता है, बहुत ज्यादा तगड़ा है, और गाइस ये जो गेम है आप लोगों को रेसिडेंट इविल 8 का भी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने वाला है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है फ्री गोर। और गाइस अगर हम इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो काफी ज्यादा कमाल के ग्राफिक्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, और गाइस इस गेम की जो साइज है वो भी काफी ज्यादा कम है, ओनली 3 GB में आप लोगों को ये गेम अवेलेबल हो जाता है। पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, उसके साथ में आप लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के लोकेशंस देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को बेसिकली इस गेम में क्या करना है, आप लोगों को सर्वाइव करना है, काफ़ी सारे वेपन्स को कलेक्ट करना है, और गाइज आपके पास आने वाले बहुत सारे जॉम्बीज, तो गाइज अभी आप लोगों को इन सभी जॉम्बीज को भी मारना है और पूरे ओपन वर्ल्ड एरिया को भी एक्सप्लोर करना है। तो गाइज ओवरऑल आप लोगों को इसमें सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो गाइज अगर आप लोगों को भी एक शूटिंग सर्वाइवल कैटेगरी का गेम ट्राई करना था तो गाइज आप लोग इस गेम को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला एक्सपीरियंस ये गेम प्रोवाइड कर देगा। तो गाइज चलिए अभी इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। तो गाइस हमारे लिस्ट का 3rd नंबर का गेम निकल गया था, बहुत ज्यादा बड़ा टाइटल है और काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है हेलो इन्फिनाइट। आई होप गाइज आप सभी लोगों ने इस गेम के बारे में तो जरूर सुना होगा, काफी ज्यादा पॉपुलर है, और गाइज इस गेम की आप लोगों को वेब सीरीज भी देखने को मिल जाती है, जो कि वो भी बहुत ज्यादा तगड़े वाली है। तो गाइज अगर हम इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो गाइज आपको इसमें काफी कमाल की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है, फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम होने वाला है, काफी ज्यादा तगड़े वाले मिशन आप लोगों को इस गेम में देखने को मिल जाते हैं, काफी कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिल जाती है। और गाइज इस गेम का सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा है, आप लोग इस गेम को मल्टीप्लेयर में भी प्ले कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ में 1v1 के भी आप लोग इस गेम में बैटल कर सकते हो। तो गाइज ओवरऑल गेम बहुत ज्यादा तगड़ा है, और गाइज इस गेम के बारे में आप लोगों को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर ये गेम है। तो गाइज अगर आप लोगों ने अब तक इस गेम को ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अगर हम इस गेम की साइज की बात करें तो अराउंड इस गेम की साइज आपको 50 GB तक देखने को मिल जाती है, मुझे पता है गाइज थोड़ी सी ज्यादा है, और गाइज इस गेम को रन करने के लिए आपके पीसी में थोड़े से ज्यादा स्पेक्स की जरूरत है। तो गाइज अगर आपके पास एक मिड रेंज पीसी है तो गाइज आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो, और आपने इस गेम को ट्राई किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। तो चलिए अभी इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ।
तो अगर जो हमारी लिस्ट का सेकंड नंबर को जो गेम निकल के आता है बहुत ज़्यादा तगड़ा है और इस गेम के जो ओपन वर्ल्ड एरिया वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है जीवन। और कहीं अगर हम इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा एक ओपन वर्ल्ड एरिया देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। बीच में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमाल की सीनरीज देखने को मिल जाती है। और कहीं सबसे बेस्ट आपको इस गेम में कैरेक्टर होने वाला है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा तगड़े वाले सुपर पावर्स होने वाले, जो कि गाइज आपका कैरेक्टर है वाटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी तगड़े वाले मिशंस देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी कमाल की स्टोरी ना आप लोगों को इस गेम में फॉलो करने का मौका मिलने वाला है। तो गाइज अगर आप लोगों को एक तगड़ा ओपन वर्ल्ड स्टोरी लाइन वाला गेम ट्राई करना था तो गाइज आप लोग इस गेम को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इस गेम में जो बीच बीच में जो कट सीन्स आते ना वो तो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होने वाले। तो गाइज आप लोग इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एडवेंचरस गेम आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। और गाइज अगर हम इस गेम की साइज़ की बात करें तो अराउंड 11 GB इस गेम की साइज़ होने वाली है, तो आप लोग इस गेम को आराम से डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो गाइज चलिए अभी इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस हमारे लिस्ट का फर्स्ट नंबर का गेम निकल गया था, ये गेम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस इस गेम का नाम होने वाला है द ऑसम एडवेंचर ऑफ कैप्टन स्पिरिट। और गाइस अगर हम इस गेम की ग्राफिक्स की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइस सबसे हाईलाइट की बात इस गेम की स्टोरी लाइन होने वाली है। सो गाइस आप लोगों को बेसिकली इस गेम में एक बच्चे का रोल प्ले करना है, जो कि गाइस हमेशा सोचते रहते हैं कि उसे सुपर हीरो बनना है। तो गाइस अभी आप लोगों को काफ़ी सारे पजल्स इस गेम में सॉल्व करने हैं, उस बच्चे के लाइफ में क्या क्या होने वाला है आप लोगों को पूरे इस गेम में देखने को मिल जाता है, उसकी जर्नी देखने को मिल जाती है। उसके साथ में जो इस गेम में जो पजल्स देखने को मिल जाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और काफ़ी ज़्यादा तगड़े होने वाले। तो गाइज आप लोग इस गेम को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो गाइज अगर आप लोगों को एक स्टोरी लाइन और एक पजल कैटेगरी का गेम ट्राई करना था तो गाइज आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। अगर हम इस गेम की साइज़ की बात करें तो अराउंड 5 GB इस गेम की साइज़ होने वाली, लेकिन जो इसके ग्राफिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल के। बीच बीच में आप लोगों को काफ़ी कमाल की सिनेमेटिक सीन्स इस गेम में देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल गेम बहुत ज़्यादा कमाल का है, तो आप लोग इस गेम को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतने ही गेम्स थे, आई होप आप सभी लोगों को सभी गेम्स जरूर पसंद आए होंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो फिर गेम्स पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके टर्न कमेंट जरूर कर देना। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में कुछ और नए गेम्स कुछ और नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।